आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पिछले 10 सालों में जितने जवान देश भर में शहीद हुए हैं उससे कहीं ज्यादा जवान जो हैं उन्होंने खुदकुशी की है। बहरहाल ये दावा है कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन का। उनके मुताबिक लगभग 1532 जवान जो हैं उन्होंने खुदकुशी की है पिछले 10 सालों में। यही नहीं, उन्होंने ये भी बोला है कि जो साइकाइट्रिक इश्यूज हैं जवानों में उनमें भी काफी इजाफा हुआ है। अगर हम 2020 की बात करें तो उस तब जो संख्या थी वो 3584 थी, लेकिन 2022 में ये लगभग 5000 हो गई है। तो जो मानसिक संतुलन को लेकर जवानों की चर्चा है उसके ऊपर उन्होंने जो है वो सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसके ऊपर व्हाइट पेपर लाने की जरूरत है। वैसे खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भी पिछले 5 सालों में लगभग 1200 जवानों ने खुदकुशी की है। इसके पीछे वजह जो है वो अलग अलग है। जो एक इंटरनल रिपोर्ट है होम मिनिस्ट्री की उसके मुताबिक स्ट्रेस, डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड यानी उनकी फैमिली में जो है टेंशन, साथ में फाइनेंशियल इश्यूज और सबसे बड़ा कारण जो बताया जाता है कि छुट्टी ना मिलना, वो एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। और लॉन्ग सेपरेशन फ्रॉम फैमिली से दूर रहना ये मुख्य कारण बताए जा रहे हैं जवानों में जो खुदकुशी की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी बड़ी जो चिंता है फ्रैटिसाइड यानी जो आपस में जो जवान है एक दूसरे को जो मार देते हैं, फ्रैटिसाइड के इंसिडेंट्स हैं, जो वायलेंट बिहेवियर है उनमें जो देखा गया है उसको लेकर भी चिंता जो है वो होम मिनिस्ट्री में है। इसके ऊपर एक इंक्वायरी रिपोर्ट भी जो है होम मिनिस्ट्री में मांगी थी। इनफैक्ट पिछले साल अगर आपको याद हो तो 2023 फरवरी में जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं तपन डेखा, उनके घर में एक सीआरपीएफ के जवान ने अपने आप को गोली मार ली थी। यही नहीं, एक उड़ीसा के मंत्री को भी उन्हीं के पहरेदार ने, उन्हीं के सिक्योरिटी में जो एक तैनात गार्ड था उसने गोली मारी। तो इस तरह के इंसिडेंट भी सामने आए थे। इसे लेकर भी अध्ययन किया गया था जो वायलेंट बिहेवियर है या फिर कहें फ्रैटिसाइड, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही थी। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मेंटल जो मानसिक संतुलन है जवानों का उसे लेकर जो है वो चिंता बताई जा रही है। जो अल्कोहल कंजम्पशन है उसे लेकर चिंता बताई जा रही है और साथ में ह्यूमिलिएशन बाय सीनियर्स, ये एक मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जो वायलेंट बिहेवियर जवानों में देखी गई है। यही नहीं, जो जवान है जो एक जो इस पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन ने रिपोर्ट रिलीज की है उसमें उन्होंने बोला है लगभग 47,000 जवान जो हैं उन्होंने फोर्सेस को क्विट किया है। इसके पीछे क्या कारण बताए हैं, स्लो प्रमोशन बताया गया है, सैलरी का मिसमैच बताया गया है, वर्क ओवरलोड बताया गया है और कंटिन्यूस हार्ड पोस्टिंग्स बताया गया है। लगातार जो है वो चुनाव होते रहते हैं, ये हाई वैल्यू टारगेट वीवीआईपीस को भी गार्ड करते हैं जिसको लेकर इनमें काफी जो है स्ट्रेस रहता है। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा जवान जो है वो छोड़ रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस। हालांकि अब होम मिनिस्ट्री का कहना है कि जो पहले बॉडी सिस्टम जो था पैरामिलिट्री फोर्सेस में था उसे दोबारा चालू करने की जरूरत है। ये बॉडी सिस्टम जो है बाकी की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसमें है, इसमें एक जवान के साथ दूसरा जो बॉडी है वो एक आपस में अपनी जो चिंताएं हैं या मुश्किलें हैं वो बातचीत करते रहते हैं। यानी एक दूसरे से लगातार बात करने के कारण जो मानसिक संतुलन है एक जवान का आपे से बाहर नहीं जाता है। ये बॉडी सिस्टम जो है जो बाकी की अब 6 पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, चाहे सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और साथ में असम राइफल्स, इनमें दोबारा शुरू करने की जो बात है ये होम मिनिस्ट्री में हो रही है। हालांकि होम मिनिस्ट्री अलग अलग जो स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट को लेकर योगा अभियान करवाती है, काउंसलिंग भी करवाती है, लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं देखा गया। जब हमने सीनियर ऑफिसर्स से बात की तो उनका ये कहना था कि जवानों की जो एक बेटर अपग्रेडेशन है या अगर उनका रहने का जो उनके जो टेंट्स हैं उनके जहाँ पे फैमिलीज रहती हैं उनमें एक बेहतर अगर अकोमोडेशन उन्हें दी जाए तो कुछ लेवल ऑफ जो स्ट्रेस उनमें है वो ज़रूर कम होगा। तो इस तरह के जो स्टडीज हैं वो होम मिनिस्ट्री में हो रही हैं, लेकिन इनके ऊपर वाइट पेपर जो है वो अब ये जो एक्स वेलफेयर पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन है वो अब मांग रही है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।